ये गाइज कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक खूबसूरत सा बेडशीट का डिज़ाइन ड्रा करके बताने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन को पहले टेस्ट पेपर पे बनाएंगे, उसके बाद उसे बेडशीट पे ड्रा करेंगे। तो टेस्ट पेपर पे डिज़ाइन को ड्रा करने के लिए हमें चाहिए 2 टेस्ट पेपर, एक पेंसिल या स्केच पेन और एक ग्लू चाहिए। दोनों टेस्ट पेपर को बीच से इस तरीके से चिपका लेंगे और डिज़ाइन को बिल्कुल बीच से बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञान लोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। फ्रेंड्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे स्केचिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो हम कैसे डिज़ाइन ड्रा करेंगे। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यदि आपको नहीं आता है फिर भी आप देख कर कोशिश कीजिए कि आपको ड्रा करने आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा डिज़ाइन है सेम आप भी वैसा ही बनाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। जब आप पेंट करेंगे तो हो सकता है कि इससे खूबसूरत डिज़ाइन आपसे बन जाए, तो आप कोशिश अवश्य कीजिए। एक फ्लावर कंप्लीट करने के बाद उससे सटा हुआ एक दूसरा फ्लावर बनाएंगे। यहाँ भी सेम फ्लावर बनाएंगे, जैसा फ्लावर हम बीच में बनाए थे सेम फ्लावर यहाँ बनाएंगे। बीच के फ्लावर के दूसरे साइड भी सेम ऐसा ही फ्लावर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे ऊपर के तरफ। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में टेस्ट पेपर से कपड़े पे डिज़ाइन बनाने का तरीका ही बताया गया है। आसानी से आप इस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को टेस्ट पेपर से कपड़े पे छाप सकते हैं, जो कि बिल्कुल नया तरीका होगा और बिल्कुल आसान होगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। नीचे की तरफ लीफ बना लेंगे। आप चाहें तो अपने मर्जी से जिस तरह का लीफ चाहें बना सकते हैं। सबसे पहले एक साइड का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे और दूसरे साइड का हम ऐसा आपको आइडिया बताएंगे कि दूसरे साइड का डिज़ाइन आप आसानी से ड्रा कर लेंगे। वो भी सेम जैसा एक साइड का रहेगा वैसा दूसरे साइड का भी डिज़ाइन आप आसानी से ड्रा कर लेंगे। तो चलिए पहले एक साइड का डिज़ाइन बनाते हैं।
जब एक तरफ का पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो उसे बीच से मोड़ेंगे इस तरीके से। और नीचे देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे दिख रहा है बस वैसे वैसे ऊपर से ड्रा कर लेंगे। ऐसा करने से मेहनत भी कम लगेगा और दोनों तरफ का डिजाइन सेम बनेगा। तो आप इस तरीके को अपनाकर किसी भी बड़े फ्लावर को आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना है। हमारा पूरा डिज़ाइन आसानी से कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस डिज़ाइन को बेडशीट पे बनाते हैं। बेडशीट पे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्बन पेपर और एक पेन। डिजाइन को इस तरीके से बेडशीट पे सेट करेंगे कि जो डिजाइन का बीच का फ्लावर है वो बेडशीट के बिल्कुल कॉर्नर के सामने रहे, ऐसे बिल्कुल कॉर्नर के सामने रहे। डिजाइन को फिक्स करने के बाद एक हाथ से उसे दबा लेंगे ताकि जो ट्रेस पेपर है वो इधर उधर ना घसके, और उसके नीचे कार्बन पेपर सेट कर देंगे। मेरे पास 2-3 कार्बन पेपर है सो हम ये सब इधर सेट कर दे रहे हैं ताकि बार बार हमें खिसकाना ना पड़े। हम ट्रेस पेपर के ऊपर एक मोटा पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा डिजाइन सुरक्षित रहे, और जैसे जैसे डिजाइन है ट्रेस पेपर पे वैसे वैसे कॉपी कर लेंगे। यदि आपको कार्बन को ऊपर खिसकाना है तो एक हाथ से ट्रेस पेपर को ऐसे दबा लें ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं, और उसके बाद कार्बन को आप जहाँ चाहें प्लेस कर सकते हैं। पहले देख लें कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, पूरा डिजाइन कॉपी हुआ है या नहीं। देखिए मेरा ये जो नीचे का लीफ है वो छूटा हुआ है, तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। इस तरीके से आप कार्बन को खिसका सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रेस पेपर है उसको एक जगह कहीं दबाए रखेंगे। इस तरीके से हम आसानी से ट्रेस पेपर से बेडशीट पे डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा डिजाइन बन चुका है।
फ्रेंड्स, यदि आपके मन में पेंटिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य मिलेगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आगे अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।